झीलों की नगरी उदयपुर जो पर्यटन क्षेत्र में अपने रिकॉर्ड तोड़ रही है विश्व स्तर पर अपना नाम कर रही है अब उदयपुर ने हवाई सफर में भी एक अलग रिकॉर्ड बनाए हैं आपको बता दें कि इस बार के जून के महीने में उदयपुर ने अपने हवाई सफर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है एयर कनेक्टिविटी सुधरने के बाद यहां जून महीने में रिकॉर्ड तोड़ यात्रियों ने यात्रा की है उदयपुर में महाराणा डबुक एयरपोर्ट जो कि शहर से करीब 24 किलोमीटर दूर उदयपुर में, में बिजनेस और टूरिस्ट पर्पज से हजारों की संख्या में फ्लाइट के जरिए यात्री आते हैं लेकिन इस जून महीने में रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए महाराणा प्रताप डबुक एयरपोर्ट अथॉरिटी के आंकड़ों के अनुसार जून में उदयपुर से 855 हवाई उड़ाने की गई जिसमें से एक लाख एक हजार आठ यात्रियों का आवागमन हुआ पिछले साल जून के आंकड़ों के अनुसार से देखा जाए तो तिहत्तर यात्रियों के मुकाबले अट्ठाईस हजार सात सौ छह से ज्यादा है वही जून 2021 के एक हजार नौ सौ इक्यावन की तुलना में बयासी हजार आठ सौ पंद्रह और जून 2020 के 3,820 के यात्रियों की तुलना में बता दें आपको अंठानवे हजार छियालीस यात्री ज्यादा है हालांकि ये कोरोना साल था जिसके कारण यात्री भार कम रहा है लेकिन इस बार जून जितना पहले कुछ ही सालों में हुआ है यही नहीं पिछले नौ महीने में लगातार एयरपोर्ट पर यात्री भार एक लाख से ज्यादा हो रहे है खास बात यह है कि पिछले दो महीने में उदयपुर ऐसी सर्वाधिक हवाई यात्रियों ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी इसके पीछे कारण है उदयपुर से संभाग भर के लोगों ने बड़ी संख्या में पर्यटन दिल्ली एयरपोर्ट से जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख केदारनाथ शिमला नैनीताल आदि पर्यटन स्थलों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ी माराना डबुक एयरपोर्ट से आठ शहरों के लिए रोजाना सोलह उड़ाने हैं इसके साथ ही मध्य प्रदेश के लिए पहली बार दो उड़ाने हैं शहरों की बात करें तो अभी उदयपुर से मुंबई दिल्ली जयपुर भोपाल इंदौर हैदराबाद बेंगलुरु अहमदाबाद के लिए उड़ाने संचालित हैं जिनकी संख्या सोलह है उदयपुर से भोपाल और इंदौर के बीच नियमित उड़ाने पहली बार हाल ही में शुरू हुई है वहीं अहमदाबाद की फ्लाइट भी चल रही है उदयपुर में भी ज्यादातर पर्यटक अहमदाबाद और दिल्ली से बड़ी संख्या में आते हैं